दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए अनुभवों को साझा कर प्रगति पथ पर जाना है, कम लागत में अधिक फसल हो ये हमको समझाना है। और सही मायने में दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन यही उद्देश्य को लेकर चल रहा है कि हमारे प्रदेश के किसान भाई कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले। और इसके लिए समय समय पर हम कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो नई नई जानकारियाँ देते हैं, इसके साथ ही बताते हैं वो तकनीक जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लें और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करें। आज के अंक में भी हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर हाजिर हुए हैं, तो ये सिलसिला हम शुरू करते हैं। हम फिलहाल चलते हैं प्रदेश की खेती किसानी की उन खबरों की तरफ जहाँ जो कुछ नित नया हो रहा है उसकी हम जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की और जानते हैं मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसान उन्नत खेती कर लाभ कमाए, जायद कद्दू वर्गीय सब्जियों में पौध संरक्षण, ग्रीष्मकालीन भिंडी में पौध संरक्षण, गर्भावस्था में पशु आहार और कृषि सलाह। जनसंपर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना की एक दिवसीय संगोष्ठी का दतिया में समापन किया। डॉक्टर मिश्र ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। मंत्री डॉक्टर मिश्र ने उपस्थित किसानों से कहा है कि उन्नत खेती, खासकर उद्यानिकी फसलें अपनाकर अधिक लाभ कमाएं। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर मिश्र ने कहा कि किसान अब उन्नत खेती कर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की भी यही मंशा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए। किसानों को भरपूर बिजली खाद की आपूर्ति की जा रही है। किसान एक फसल के साथ दूसरी फसल लें तो उन्हें अधिक लाभ होगा। कद्दूवर की फसलियों में प्रमुख रूप से रेड पंपलिन बीटल, कद्दू का लाल कीड़ा और फल मक्खी नुकसान पहुंचाते हैं। इस वर्ग की सब्जियों को सबसे अधिक हानि कद्दू का लाल कीड़ा पहुंचाता है। ये कीड़े पौधों के जमने के बाद कोमल अवस्था में अधिक हानि पहुंचाता है। इसकी इल्लियां जड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं तथा वयस्क पत्तियों में छेद बनाकर खाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोरिल धूल 5 का 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव या मेलाथियान 1.2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कें। भिंडी को सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, परंतु गर्मी के मौसम में रोग और कीटों का प्रकोप फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। मुख्य कीटों में तना छेदक कीट भिंडी के अंदर घुसकर भिंडी को खोखला कर देता है। नियंत्रण के लिए क्यूनालफास या ट्राइजोफास 30 मिलीलीटर दवा को प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतर से छिड़काव करें। गर्भावस्था में गाय, भैंस आदि मादा पशुओं को कुछ विशेष मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार गर्भावस्था के अंतिम एक तिहाई काल में लगभग 1.5 पाउंड कुल पंचनीय पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। प्रसव काल के लगभग 1 या 2 सप्ताह पहले दाना तथा खली की मात्रा अपेक्षाकृत बढ़ाकर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देना चाहिए कि वह आहार ऐसा हो जिसे वह पशु रुचिपूर्वक खा सके। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जैसे ही ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे भिंडी, बरबटी, मिर्ची एवं बैंगन की फसल में कीट व्याधियों का निरीक्षण करते रहें एवं आवश्यकता होने पर अनुशंसित कीट एवं कवक नाशकों का प्रयोग करें। आम एवं फलदार वृक्षों में फल की अवस्था में रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इनकी रोकथाम हेतु सर्वांगीण कीटनाशक जैसे रोगोर, मेटासिस्टॉक्स 1.5 लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव खुले मौसम में करें। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। अनूपपुर में न्यूनतम 3,750 रुपए और अधिकतम भाव भी 3,750 रुपए। बड़नगर में न्यूनतम 4,500 रुपए और अधिकतम 4,550 रुपए। रीवा में न्यूनतम 4,360 रुपए और अधिकतम 4,499 रुपए और राहतगढ़ में न्यूनतम 4,000 रुपए और अधिकतम भाव 4,100 रुपए रहा।
इसके बाद जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 3,350 रुपए और अधिकतम 3,355 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 3,301 रुपए और अधिकतम 4,325 रुपए। शाहपुरा में न्यूनतम 3,350 रुपए और अधिकतम 3,500 रुपए। और काला पीपल में न्यूनतम 3,350 रुपए और अधिकतम भाव 4,200 रुपए रहा। अंत में जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। बड़नगर में न्यूनतम 2,792 रुपए और अधिकतम 2,950 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 2,450 रुपए और अधिकतम 2,800 रुपए। ताल में न्यूनतम 2,860 रुपए और अधिकतम 2,905 रुपए। और शाजापुर में न्यूनतम 2,685 रुपए और अधिकतम भाव 2,824 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात, राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम और इस मौसम में कई तरह की हम फसलें लेते हैं। इसमें खासतौर से कई किसान भाई ऐसे हैं जो तिल की खेती करते हैं। ग्रीष्मकालीन तिल की खेती कैसे करें, इसकी यदि तकनीकियां समझ लेते हैं तो काफ़ी कुछ उत्पादन में हमें इजाफा मिलता है। आज के अंक में हम आपको यही जानकारी दिलवाएंगे कि ग्रीष्मकालीन तिल की खेती कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे लें। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रजनी बिसेन, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से हमारे साथ हैं। मैं आज हमारे किसान भाइयों की तिल की खेती के बारे में जानकारी दूंगी। जिन किसान भाइयों ने इस वक्त अभी चना काटा है या अपने खेत से मटर काटी है, उनके लिए खेत तैयार होगा और वो इस वक्त तिल की खेती ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो उन लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है, उसके बावजूद वो तिल की खेती ले सकते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले तिल की बात करें तो तिल हम लोग लगभग 3-4 मौसम में लेते हैं, जो कि सबसे अच्छा समय तिल के लिए माना जाता है कि खरीफ सीज़न, जो कि हम जून के 15 जून से लेके 15 जुलाई तक का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है तिल के लिए। लेकिन आजकल का जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, उसके हिसाब से हम लोग ने जो अपना यहाँ पर रिसर्च की, उससे पता लगाया है कि अब इस वक्त लगभग सबसे अच्छा मौसम जो है वो यही है। और जो किसान भाई अभी लेट हो गए क्योंकि उनको मौसम में अभी भी ऐसा मौसम है कि वो अभी बोनी कर सकते हैं, तो इसलिए वो अभी भी अपने खेतों में तिल की बोनी कर सकते हैं। जिनके खेत खाली हैं वो इस वक्त घबराएं ना, वो तिल की खेती लें, उनको अधिक लाभ मिलेगा। इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि जो हम सबसे पहले बीज की बात करें, खेत के साथ में बीज की बात करें, सबसे पहले बीज की बात करें तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि उनका जो बीज है वो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम बीज अच्छा लेते हैं उसी से लगभग हमारे जो उत्पादन है उसमें 15-20% की वृद्धि हमको किसान भाइयों को देखने मिलती है। साथ में कुछ ऐसी किस्में हैं जिनका बीज उनको लेना चाहिए, जैसे कि TKG 21, TKG 22, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई हैं। ये किस्में हमारे पूरे देश में
मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये चलती हैं, और इनको आप किसी भी मौसम में लें, इस समय भी लेंगे तो भी वो अच्छी उपज देंगे आपको, इसलिए ऐसी किस्मों का चयन करें। और जैसे कि तिल की बात करते हैं, तो तिल जो है हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये भारत में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन और क्षेत्र है, उसके बाद चाइना आता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि तिल हमारे लिए, और लगभग 3000 करोड़ रुपए का जो हमको भारत से बाहर से एक्सपोर्ट हमारे देश से जाता है, वो मूल्य भी हमको तिल के थ्रू मिलता है। अपने देश की दूसरी एक्सपोर्ट की जो क्रॉप है वो तिल है, इसलिए किसान भाई चाहें तो तिल का उत्पादन लें। इसमें लगभग 50% तेल की मात्रा रहती है इसके बीज में, और 25-30% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे लिए इसका उपयोग हम लोग खाद्य के रूप में इसके तेल का उपयोग करते हैं, जो कि सबसे पौष्टिक माना जाता है। इसलिए किसान भाई तिल को ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ध्यान देने लायक चीज़ है वह है कि मिट्टी का चुनाव, जो हमारा खेत का चुनाव है उसके लिए किसान भाई हमेशा ऐसी मिट्टी का चयन करें जहाँ पर ज़्यादा गहरी मिट्टी, काली मिट्टी का चुनाव ना करें, जो हल्की मिट्टी होती है उस पर इसकी बोनी ले सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारे खेत में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोगों ने बलुई डोमेट जो मिट्टी होती है उस मिट्टी पर किसान भाई इसकी तिल की खेती लें। उसके साथ में एक चीज़ पे ध्यान दें कि जो मिट्टी है उसको पहले अच्छे से जुताई कर लें, उसके में जुताई के साथ में ही उसमें पहले दूसरी जो आखिरी जुताई आप करते हैं उसमें उसके साथ में गोबर की खाद का मिला दें, और अच्छे से खेत में मिला के उसका उपयोग करें, जिससे कि जो उर्वरा शक्ति है हमारे खेत की वो बढ़ जाएगी और साथ में उपज अच्छी मिलेगी। उसके साथ में जब बोनी करते हैं तो ये ध्यान दें कि जो बीज है, हमको बीज को अगर हम कतार से कतार की दूरी पे बोते हैं तो लगभग 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर लगती है, लेकिन अगर चाहें किसान भाई जिनके पास साधन उपलब्ध हैं वे चाहें तो कूड़ मेड़ पद्धति में इसकी बोनिंग कर सकते हैं, जिसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर पानी अधिक गिर जाता है तो हम लोगों के पास नालियाँ हैं जिससे हम लोग निकास, अधिक पानी का निकास कर सकते हैं। और अगर पानी की कमी पड़ जाती, क्योंकि गर्मी का मौसम है इस वक्त पानी की कमी भी हो सकती है, तो जब पानी आपके पास नहीं है तो आप लोग नालियाँ बंद करके उसमें पानी का इकट्ठा पानी को एकत्रित कर सकते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को उनकी खेती में नुकसान नहीं होगा। इसलिए इसको कूड़ मेड़ पद्धति सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है, उसमें इसकी बोनी करें। इसके साथ में बीज को हम लोग सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है इस वक्त, जब हम बीज की बोनी करते हैं तो चींटियों का लगना सामान्य बात है, इसलिए हमेशा खेत में बीज को पहले बीजोपचार करके बोएं, जो कि हम लोग थायरम के थ्रू करते हैं। उसके साथ में ही कीटनाशक का उपयोग अवश्य करें, जिसमें कि थायोमेथोक्सम का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बाज़ार में किसान भाइयों को क्रूज़र के नाम से भी मिलती है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ पौधे दिख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि पत्ती में छेद हो गया है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कीटनाशक का शुरू में उपयोग नहीं किया था, जब बीज उपचार किया था तब कीटनाशक का उपयोग नहीं किया था, इसलिए इसमें रस चूसक जो कीड़े हैं उनका प्रकोप देखने को मिलता है। अगर हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो 20 से 25 दिन तक हमारी फसल में कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम लोग कीटनाशक का उपयोग करें। उसके बाद जैसे ही हमने बोनी कर दी है, उसके 2-3 दिन के अंतर पर, क्योंकि चींटी लग सकती है गर्मी का मौसम है, 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इस पर छिड़कवा दें खेत में हमारे किसान भाई, उनसे उनको कीड़ी चींटी का इफेक्ट और जो भी कीड़े लग जाते हैं उनको उनसे रोकथाम हो सकेगी। उसके बाद बीज की बात हुई, उसके बाद हमारा जो बीज का दर है वो अवश्य ध्यान दें कि 5 किलो लाइन से लाइन की दूरी पे, और अगर हम लोग, हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, किसान बहुत अच्छी खेती करना चाहता है, कम बीज दर के इस्तेमाल से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहता है, तो वो इस वक्त डिबलिंग का एक मेथड आया है, जिसमें कि हम बीज को कतार की दूरी में बिल्कुल लिमिटेड निशान स्थान पर डाल के उसकी बोनी करते हैं, उसमें 2 से 2.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होता है। इसके साथ में किसान भाई अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं उसके लिए उनको कम से कम 30 सेंटीमीटर आपकी कतार से कतार की दूरी का ध्यान रखें, और 15 सेंटीमीटर आपका पौधे से पौधे का डिस्टेंस। इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो हमारे किसान भाई अधिक उपज ले सकेंगे। इसके साथ में जब हम बोनी करते हैं तो हमको उर्वरकों को भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए हमारे किसान भाई 40 किलो नत्रजन, 40 किलो उसफुर और 20 किलो पोटाश के साथ में 20 किलो सल्फर का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये
तेल वाली तिलहन फसल है, इसलिए इसमें हमको सल्फर का उपयोग करेंगे जिससे कि ज़्यादा हमारा तेल उत्पादन हमको मिलेगा। इसके साथ ही इसमें सबसे पहले ये ध्यान दें कि जब हम बोनी के समय पे हम पूरी जो स्फुर की मात्रा है वो पोटाश की मात्रा है और सल्फर, ये तीनों हम खेत में जब बोनी के समय पर ही डाल दें खेत में। उसके बाद लगभग 30 दिन के अंतर पर जब हमारे खेत में फसल थोड़ी सी बड़ी हो गई है उस वक्त हम किसान भाई दूसरी जो हमारी यूरिया की जो नत्रजन जिसको हम यूरिया के थ्रू देंगे उसका छिड़काव करें तो जिससे हमारी फसल में अच्छे से बढ़त प्राप्त होगी। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, समय समय पर हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे सफल किसान भाइयों से जो अपनी खेती किसानी में नित नए प्रयोग करते हुए आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। उनका अनुभव हमारे आपके लिए बहुत ही काम में आता है। कुछ सफल किसान भाई अपने खेतों में ऐसे प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों को यदि दूसरे किसान भाई करते हैं तो वह ज़रूर लाभ उठाते हैं। हमारे प्रदेश के ऐसे ही एक अनुभवी किसान भाई हैं जो अपना अनुभव आपके साथ बांटना चाह रहे हैं। यह है छोटी चुरलाई जिला देवास के एक सफल किसान भाई धर्मेंद्र राजपूत जी। आइए हम सभी इनसे मिलते हैं और इनकी बातों को साझा करते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी। आइए उनसे जानते हैं उनके खेती के बारे में। नमस्कार पहले सभी किसान भाइयों को। अभी मैंने ज़िले में मध्य प्रदेश में नई तकनीक अपनाई है, जो प्रदेश में 51 ज़िले में नहीं, ये तकनीक मॉडल खेती की शुरुआत की है मैंने, जो देवास ज़िले में मध्य प्रदेश के ग्राम छोटी चुल्लाई में एक लघु सीमित किसान हूँ। मैं मध्य प्रदेश का बहुत छोटा किसान हूँ। मैं मॉडल खेती फार्म की उसके अवसर पर मुझे एक 26 जनवरी पर माननीय कलेक्टर महोदय एवं राज्य मंत्री द्वारा एक प्रशंसा पत्र देके और कृषि महोत्सव में नई तकनीक की जानकारी देने पर सम्मानित किया गया। जैसे गेहूँ बोते थे गेहूँ ही बोते हैं, चने बोते थे चने ही बोते हैं। मॉडल खेती में ये है कि जैसे अपने पास 10 बीघा जमीन तो एक एक बीघा 10 तरह की फसल बोई मैंने इस बार। मैंने आलू, प्याज, लहसुन, गेहूँ, चना, जिसके बाद गाजर, जिसके बाद इधर धनिया, सब तरह की फसल बोई मैंने इस बार। उसको कहते हैं मॉडल खेती। उसमें एक खेती लॉस हो जाती है, ओले पाले गिरते हैं तो पूरी लॉस हो जाती है। इस बार जैसे लहसुन का भाव अच्छा आ गया तो इसको कहते हैं मॉडल खेती। जी जी, मतलब कि एक साथ आप कई फसलों को बो देते हैं उसमें, तो किस किस तरीके की और फसलें उसमें आप लगा सकते हैं मॉडल खेती में? अभी जैसे पहले अपन ने शुरू में सोयाबीन काट के आलू लगाया था, आलू के बाद मूंग लगाए, मूंग के बाद ये तीन खेती हो जाती। किसान अधिकतर दो ही खेती करते हैं तो अपन तीन तीन चार चार खेती कर लेते। जी जी, तो ये दूसरी खेती से किस तरह से अलग है, किस तरह से भिन्न है ये दूसरी खेती से? ये खेती बहुत अच्छी है मॉडल खेती। जैसे एक खेती पे निर्भर नहीं रहना चाहिए किसान को, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इस बार ये बोए थे, इस बार ये थोड़ी थोड़ी, एक खेती लॉस हो जाती है तो बहुत ही घाटा होता है उसमें। जी जी, तो इसमें भी आप खाद वगैरह का उपयोग करते होंगे? कौन सी खाद? वर्मी कम्पोस्ट। जी जी, और इसके अलावा कीटनाशक? कीटनाशक गौमूत्र, नीम तेल, ये जैविक निम्बोली, जिसके बाद छाछ, इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, और एक साल में कितनी फसलें ले लेते हैं आप?
एक साल में जैसे रबी में लेते हैं हम 10 फसलें ली इस बार, तो मैंने सब तरह की थोड़ी थोड़ी फसल लगाई मैंने। और ऐसे तो पहले तो मैं कम ही फसल ले रहा था, सिर्फ एक ही फसल ले रहा था गेहूँ। और फिर मॉडल खेती की शुरुआत की मैंने, तो फिर 10 फसल ली इस बार। जी जी, गहरी जुताई के बारे में आप कुछ बताएंगे? गहरी जुताई जैसे गर्मी में खेत खाली पड़े रहते हैं अपने, उसके लिए तो अपन को गहरी जुताई करना पड़ती है। और जिसके बाद ये नरवैया जलाते किसान, गेहूँ में आग लगाते, ये पर्यावरण नष्ट हो रहा अपने। ये नरवैया नहीं जलाने चाहिए, खापे नहीं जलाने चाहिए। जैसे गेहूँ के खापे रहते हैं ना, उसको जला देते लोग, तो अपन कोयले कैसे पकाते, ऐसे मिट्टी पक जाती है, वो अपने को नहीं करना चाहिए। जिसके बाद गहरी जुताई से ये फ़ायदा है कि सोयाबीन का उत्पादन और अपनी मृदा स्वास्थ्य अच्छी रहती, मिट्टी स्वस्थ रहती, और उसकी जो कीटाणु रहते हैं वो गर्मी से सब मर जाते हैं। गहरी जुताई से ये फ़ायदा होता है, और गर्मी में अधिकतर गहरी जुताई करना चाहिए अपने को। हर 3 साल में एक बार गहरी जुताई को अपने को करना चाहिए। सिंचाई के लिए आप किस तरह के साधनों का उपयोग करते हैं? सिंचाई के लिए टपक सिंचाई, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, उसका उपयोग करता हूँ मैं। स्प्रिंकलर का उपयोग करता हूँ। टपक सिंचाई से बूंद बूंद पानी बचता है, जिसके बाद अपनी मिट्टी की उर्वरक शक्ति अच्छी रहती है, और जिसके बाद ज़मीन भी मुलायम रहती है, और जिसके बाद ज़मीन भी अपनी पानी की भी बचत होती है, और उत्पादन करीब 30-40% बढ़ जाता है टपक सिंचाई से। मैं टपक सिंचाई का उपयोग करता हूँ। तो आज थे हमारे साथ देवास जिले के धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी, उन्होंने अपने खेती के बारे में हमें बहुमूल्य जानकारी दी। तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए प्रगतिशील किसान से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कसौ सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा ए, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कृषि दर्शन का वो महत्वपूर्ण अंक जिसमें आपने खासतौर से ग्रीष्म काल में तिल की खेती के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही हमने आपको मिलवाया एक सफल किसान भाई से जिन्होंने अपने अनुभव आपके साथ साझा किए। ऐसी ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर हम फिर अगले अंक में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, नमस्कार।